कैसे आप, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों आज मेरा बड़ा मतलब सालों से मन था कि मैं ट्रेड फेयर आऊँ। ये जो बार मेला जहाँ मैं हमेशा से अपने पापा के साथ फैमिली के साथ आती थी, अभी कुछ सालों से नहीं आई हूँ और इस साल पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा मन हो रहा था आने का। तो अपनी सिस्टर को लेके जो कि अभी कैमरामैन बनी हुई है आई हूँ मैं साथ में। तो अभी अभी तो बस एक्साइटेड हूँ। बाहर दिखाओगे कितनी भीड़ है एक बार घुमाकर, मतलब अभी दिख नहीं रही भीड़ इतनी क्योंकि लाइनें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है इधर। लेकिन प्लान किया है कि खूब मस्ती करनी है, पुराने दिन याद करने हैं, हर जा के हर चीज़ को टेस्ट करना है, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है और अपने बच्चों को चिढ़ाना है। तो आप ब्लॉग को देखते रहिए, बने रहिए, मज़ा आने वाला है। मुझे भी नहीं पता पर बहुत मज़ा आने वाला है। चश्मा तो चलो फिर देर नहीं लगाते, मास्क मैं लगा लूँगी, डोंट वरी। हाँ, वेयर योर मास्क, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, तो मास्क मैंने लगा लिया और चल पड़े अंदर। और ये हमने गेट से कर ली एंट्री और बहुत लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी क्योंकि सेकेंड लास्ट डे है आज। और ये हुनर हाट है जिसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है। हुनर हाट में पूरे देश से, छोटी छोटी प्रांत से, स्टेट से लोग अपना हैंडक्राफ्ट लेकर, शिल्पकार अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। उसके साथ ही देखिए सारा दिन मनोरंजन का यानी एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। तरह तरह से कलाकार आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, खूब नाचना गाना आता है, बहुत मज़े करते हैं लोग सारा दिन। तो वही चल पड़ी हूँ लेकिन अभी भूख लगी है क्योंकि 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो दूर मुझे दिख रहा है कुछ फूड कोर्ट टाइप है, इस तरह का आपको बार बार जगह जगह मिलेगा। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो खाने के लिए बहुत वैरायटी है और ऐसे ही सेम मतलब हर थोड़ी थोड़ी वक्त आपको देखने को मिलेगा ये खाने पीने के लिए। तो मैंने तो लिए हैं कढ़ी चावल, वैसे बहुत वैरायटी, चिकन भी था, दाल चावल, छोले चावल। और ये देखिए छोले कितने ज़बरदस्त लगते हैं, राजमा भी, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, पर कढ़ी तो सबसे आगे है ना, मुझे सब बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने लिए कढ़ी चावल, 120 रुपए की प्लेट है ये। तो खूब सारी कढ़ी, सिर्फ एक पकौड़ा दिया, ज़्यादा नहीं दिया उन्होंने। और साथ में सलाद है, हरी मिर्च का अचार है, प्याज है, मूली है। और बहुत ज़बरदस्ती खाने में एकदम चटपटी, मसालेदार और तीखी थी, ज़बरदस्त थी, जैसे कि मुझे अच्छी लगती है। तो ये हमने ले ली है। देखिए आप वैरायटी में आपको दिखाती हूँ, इस तरफ देखिए पाव भाजी है, छोले कुलचे हैं और थाली है, कश्मीरी थाली और सब तरह की थाली। बस कैश काउंटर पर जाइए, आप कूपन ले लीजिए 120 रुपए से 150 रुपए में। तो आंटी जी चल पड़ी हैं अपना छोले भटूरे लेके, तो मैं ये आगे बढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर ना देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके देखिए इस तरह की जब फांसी इनको दी गई थी उस समय का इन्होंने कुछ किया प्रदर्शन। देखिए ये इधर हो रहा है डांस गाना, नाच गाना, बहुत लोग बैठ कर स्टूडियो में देख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बड़े भावुक क्षण थे ये, बहुत ही इमोशनल हो गई, लोग इसमें पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। लेकिन मेरे लिए तो एक ये जैसे कहते हैं वर्शिप करने की जगह थी, मतलब मैं बहुत ही भावुक हो गई, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस तरह से देखकर। मतलब बहुत ज़्यादा, हमें अगर आज आज़ादी मिली है तो इसके लिए बहुत तप किया है हमारे जो थे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने। तो मेरी तरफ से इनको श्रद्धांजलि दी मैंने, मुझे मतलब मन मेरा बहुत भावुक हो गया था। खैर अब आगे बढ़ते हैं। ये वो जगह है जो मैं कह रही ना, बहुत एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर सिंगर्स आते हैं, बहुत जो मतलब अच्छे आर्टिस्ट जो आपका दिल लगाए रखते हैं, दिन भर नाच गाना होता है और कुछ लोग आके डांस भी करने लग जाते हैं। ज़बरदस्त नाच गाना हो रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो हुनर हाट भी जाएंगे लेकिन सबसे पहले मैं गुड लिविंग जाऊंगी, मुझे बड़ा मजा आता है उधर। चल इधर चलते, वॉक करनी पड़ती है जगह जगह, खाने के पीने के स्टॉल्स भी। और वैसे भी मतलब आप आराम से घूमिए, मज़े कीजिए क्योंकि मौसम भी अच्छा रहता है नवंबर मंथ में, लगता है हर साल, तो लोग साल भर इंतज़ार करते हैं। देखिए ये कितना अच्छा सरस आजीविका हॉल नंबर 7 आने का ये मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी का, तहे दिल से बहुत धन्यवाद, और नकवी जी का भी बहुत थैंक यू। गए हैं
गुड लिविंग में। देखिए यहाँ पर दूर दूर से कारीगर आके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन चित्रकारी की गई है, पेंटिंग्स बनी गई है, हैंड पेंटिंग है। और ये देखिए कपड़े भी मिलेंगे आपको, मतलब गुड लिविंग में आपको कपड़े, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, चप्पलें, बैग, मतलब हर चीज़ मिलती है आपको। देखिए ये दूर दूर से कारीगर आते हैं देश भर में से। किचन अप्लायंसेस में मेरा हमेशा ही इंटरेस्ट रहता है, तो मैंने कहा चलो इनसे बात कर लेते हैं। ये स्टीम कुकर है, इलेक्ट्रॉनिक है, नीचे पानी डाला है, दिखाएंगे एक बार पानी फिर से। देखिए आप पानी बॉईल हो रहा है और आप एक साथ तीन जगह खाना पका सकते हैं। तो राइस बन जाएगा। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। सब्जियों का सूप भी आप पी सकते हैं। करेले भी, मतलब इसमें बेसिकली स्टीमिंग कुक होगा। स्टीम कुकिंग के लिए कोई भी खाना रेडी कर सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अमेजोन पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्टीमो बहुत ही अच्छा लगा, मैं सोची मैं ही ले लेती हूँ। तो हम सभी मंगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे सूट दिख रहे हैं ना, और बड़े सस्ते सस्ते सूट थे। ये किस प्राइस का है भैया? 1000 का विद दुपट्टा एंड 3 पीस। आपको 1000 में तो अच्छा है। तो सबका अलग अलग प्राइस है। 500 का प्लाजो सेट। अच्छा ये 500 रुपए वाले हैं, बहुत बढ़िया यार। ये 2 पीस है 500 में। ये कितने का बताया आपने? काफ्तान 500 रुपए का, बहुत अच्छा है। ये एम्ब्रॉयडरी वाला भी 500 का है। तो आपकी शॉप किधर है? दिल्ली में। दिल्ली में तो वहाँ भी यही प्राइस रहते हैं आपके? अलग थोड़ा ऊपर ज्यादा रहते हैं। कैसे कुकिंग होगी घर का जो गैस? ये स्मोकलेस इंडोर ये है, स्मोकलेस इंडोर बारबेक्यू। आप बताइए। 2 गिलास पानी डालना है घर की गैस पर। ओके जो भी बनाएंगे और फ्री खाने में। अरे वाह, इससे धुआं नहीं होता? स्मोकलेस है। तो आप इसमें नॉन फ्राई करके, फ्राई मतलब तंदूरी है, बारबेक्यू है? पूरा बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, रोस्ट भी कर सकते हैं, टोस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट क्या कराएंगे? टेस्ट बहुत ही बढ़िया। मैं कहूँगी बारबेक्यू अगर आप चाहते थे कि रोस्टेड वेजिटेबल्स बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको लेना है ये स्मोकलेस बारबेक्यू, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप भी देखिए मेरे साथ क्या क्या है यहाँ, ज्वेलरी से लेकर कुशन कवर्स, चादरें और भी बहुत सी चीजें, होम डेकोर का सामान, लैंप्स। तो आप भी देखिए क्या क्या है यहाँ। ये मिनी शेफ मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, पिछले 20 सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 20 साल से ज्यादा हो गए, मेरे फादर की पसंदीदा चीज है। देखिए इसमें हम बनाते थे, अंकल ने हमें खिलाए थे बिना तेल के ब्रेड पकौड़े। फ्री के नाम पे सब आते हैं एक सेकंड में, बिना तेल के ब्रेड पकौड़े हैं वाकई। कितने का पड़ रहा था? कितने का? 3790। देखो 3790 खर्चना बिल्कुल पकौड़ा है, सच में टेस्टी। चिकन भी कितनी बढ़िया बनी है, मैं खा भी रही हूँ, एकदम सॉफ्ट है। ये साथ में देखो क्या क्या बना हुआ है यहाँ, सब चीजें बनेंगी। ये इलेक्ट्रिक तंदूर जिसमें आप रोटी, परांठा, सब परांठे। और इसमें क्या, अरे वाह पिज्जा देखिए कितना जबरदस्त पिज्जा बना है। तो ये मिनी शेफ इलेक्ट्रिक तंदूर, वाओ वाओ, ये वर्थ है खरीदना अगर आप। ये पापड़, अच्छा पापड़ है, ये पापड़ बनाने वाले हैं। कितने मिनट लगते हैं पापड़ में? 2 सेकंड। 2 सेकंड कल ये टाइम स्टार्ट शुरू होता है आपका अभी, अभी मतलब 40 सेकंड। ये भुट्टे भी बने हुए हैं, हम देखिए सर एक सेकंड में तो बन भी गया आधा। ये देखिए भुट्टे भी इन्होंने, ये बटर भुट्टा बनाया, बस मक्खन लगाइए भुट्टे पर और इसे रैप करके रख दीजिए। ये देखिए, अरे वाह पास हो गए, वाकई बहुत बढ़िया बना है। ये देखिए आलू कुलचा भी बन रहा है।
ये देखिए मैडम कहाँ है, ये देखिए, अरे ये देखिए पर्चा बढ़िया प्रोडक्ट है, आप लेना चाहें मिनी शेफ तंदूर तो ले सकते हैं। मैंने फोन नंबर शेयर किया हुआ है अपने शॉर्ट्स में, नहीं तो आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं मिनी शेफ तंदूर। अगर आपको लेना है तो फिर लेना, आपको एक प्लीज दूसरा मत लेना, मिनी शेफ इलेक्ट्रिक तंदूर बहुत बढ़िया है, फ्राई एंड टेस्टेड बाय। भैया ये कितने का सूट है? 1000 तो आपकी शॉप पे पिक यानी 999। हाँ जी, हर चीज 1000 रूपए। ये महंगे महंगे दिखने वाले कढ़ाई वाले सूट सब 1000 में दे रहे हैं? 1000 रूपए में। क्यों भाई? ऐसी मैम सेल लगा रखी है मैडम। तो पहले दिन से 1000 रूपए या अभी खत्म होने वाले? पहले दिन से ही। आप कहाँ से आए हैं, किधर का आपका ये? दिल्ली से ही है, वैसे बॉम्बे का स्टॉक है। स्टॉक बॉम्बे का? आप दिल्ली के? हाँ जी, कमला नगर में शोरूम है हमारा। किस नाम से? नजाकत। नजाकत? अच्छा, नजाकत वालों का ये। हाँ जी। अच्छा, ये आप कहीं भी रखेंगे तो ये खुशबू रहेगी। कितने का ये? 100 रुपए का। तो ये है क्या, बेसिकली क्या ये प्लास्टिक है? काम कितने टाइम करता है? कितने टाइम काम करता है? अलमारी कपड़े में रखेंगे तो साल भर रहेगी खुशबू, गाड़ी में 6 महीने। साथ में टॉयज के भी थे स्टॉल, तो जैसे कि ये लियो टॉयज हैं, लेगो से इंस्पायर्ड है। जैसे लेगो होती है वो भी हम बिल्ड करते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, तो ये भी इसी तरह का ही है, लेकिन इसमें आप सेल डालकर बैटरी डालकर चला भी सकते हैं। तो इसमें साथ में बुकलेट मिलेगी आपको, आप अकॉर्डिंगली बनाइए और आपका खिलौना चलने भी लगता है, आपको अच्छा लगेगा बनाया भी, और वो देखिए चलने वाली कंडीशन में भी है तो अच्छा लगा। इसी तरह के और भी पास बहुत स्टॉल थे, चाहे खिलौने हों चाहे कपड़ों के हों, जैसे कश्मीरी शॉल्स हो गई, साथ में ड्राई फ्रूट का था, ड्राई फ्रूट ये अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट बहुत था वहाँ पर, तो ये अफगानिस्तान का ही ड्राई फ्रूट है, कई किस्मों का मिलेगा आपको, अखरोट और बादाम भी, कई तरह के किशमिश, ब्लैक करंट, बहुत सी चीज़ें थी, तो जाओ तो देखो तो बहुत मज़ा आता है। और साथ ही ज्वेलरी के भी स्टॉल्स थे, देखिए भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और हैदराबाद की स्पेशली कहूँगी ज्वेलरी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत बढ़िया कारीगरी थी। रोटी सही बनेगी, फिसल जाती है आगे, हाँ टेढ़ा रखो फिसल के आगे भाग जाता है। कर दो। अरे वाह, रोटी फिसल गई, फिसली नहीं है, बन गई है और गोल बनी है रोटी। डाइनिंग टेबल पे रख के रोटी बनाओ, बिल्कुल तवे जैसी बन रही है रोटी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहा, जब भी लिया अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम क्या करना है, बबल से आएगा घर में, कैसे दबाना पड़ता है ऊपर से क्या? अच्छा, लास्ट टाइम से इसको लगे। अरे वाह, फूल गई रोटी, अरे वाह। अच्छा, ये आपने किनारों से थोड़ा ऊपर करा हुआ कि चीला वगैरह भी बहेगा नहीं इसमें? चीला बनेगा, ऑमलेट भी बन जाएगा, अंडे ऑमलेट, वैसे चीला डोसा वगैरह सब बनेगा। ये देखिए सारी चीजें बनी हुई है, परांठा चीला बहुत अच्छी बनी है। क्या प्राइस है इसका? 1750। ये नेशनल है आपके ब्रांड, नेशनल मल्टी मल्टी मेकर, रोटी मेकर नहीं है, मल्टी मेकर। एक मिनट, ये दिखाएंगे भैया कैसा ये? ये किधर का है वैसे? बरेली। बरेली से है? अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम है? सब हैंडमेड। तो आप बरेली से लेके आए हैं? ठीक है, वैसे एक मिनट बिछा के दिखाइए जरा, देखूं कितना बड़ा है। इस तरीके से बिछाइए, आ जाएगा ना कैमरे में। ये कलर तो अच्छा लग रहा है, ये अलग कर दीजिए, ये ले लेते हैं, हाँ ये अलग कर दीजिए। बहुत ही डिलीशियस यहाँ की अंजीर की मिठाई है, कर्नाटक से भाई सब लेके आए, स्पेशली अगर आपने लेनी है तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अगर आप ट्रेड पर नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर अमेजोन से ले सकते हैं। बहुत अच्छी, मैंने ये वाला लिया है, अंजीर की मिठाई है, बहुत अच्छी है। तो अंजीर को पीस के कुछ आप पकाते हैं? मुझे रेसिपी जानने की हमेशा रहती है। 750 ग्राम मतलब 1 किलो के करीब ले लिया है, बहुत अच्छा अंजीर वाला। इनके पास नमकीन भी है तो चलो वो भी देखते हैं।
राम राम जी, पहले मुझे बताइए क्या क्या है आपके पास? वो रागी सेव। रागी की है ये सेव? ओके ग्रेट। वो सेम का बीज। ओके सेम का बीज है। गन पाउडर थोड़ा सा हाथ में देंगे, नाम से मुंह में पानी आ जाता है। बनाना के इडली के साथ बड़ा अच्छा लगता है। चावल बना के चावल इडली के साथ कैसा लगा? बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक रेडीमेड चावल बना के। हाँ जी। तेल तो थोड़ा क्या रेट है इसका? एक पाव 150-600 किलो लेना पड़ेगा, लेके जाएंगे। बनाना केलो क्रिस्पी ले लो। वो आलू चिल्ली, ये आलू का है? आलू बहुत टेस्टी है। और चावल मट्टी, चावल मुर्कू, मुर्कू है जो तेरे फेवरेट मूंगी है। बहुत खस्ता है वरना चुपते हैं, बहुत अच्छे हैं, खस्ता है। मुर्कू मैंने टेस्ट किया है, जनरली आप किसी भी हल्दीराम का कोई भी लोगे ना तो छिल जाता है, मुंह सख्त होते हैं, बड़े ही ज्यादा बटर जैसे कहते हैं ना बटर मुर्कू, वो बहुत टेस्टी है। किसी से क्या पता करें? और ये कौन सा है? ये लहसुन चटनी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुछ था, इधर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। भारतीय कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, सीमा शुल्क की तरफ से भी काफ़ी सारी, आपको कोई भी बात करनी हो तो वहाँ के लोग आपको जानकारी देने के लिए काफ़ी बैठे थे, भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चलते चलते थक गए, अब टी ब्रेक चाहिए थी तो रुक कर हमने चाय ली। खाने पीने के बहुत ज़बरदस्त स्टॉल थे, खाना इतना ज़बरदस्त तो नहीं था। तो गुड लिविंग के बाद हम आ गए हैं हुनर हाट में, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो हुनर हाट में दोस्तों हमारे जो देश के कारीगर हैं, जो गांव में रहते हैं, जो दूर एरियाज में अपने हाथों से बुनी हुई चीज़ें, बनी हुई चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि टोकरियाँ हो गई, जूट बैग्स हो गए। आप ये ज्वेलरी देख रहे हैं, ये भी हाथ की बनी हुई है, हाथों से पेंट की गई है और एक एक चीज़ को बड़े प्यार से बनाया जाता है। और ये दूर दूर से आते हैं, मतलब देश के कोने कोने से आते हैं और अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। तो चलते चलते हो गए सुबह से शाम और हो गया जाने का टाइम। तो ट्रेड फेयर अगर आप आ रहे हैं तो ये सोच कर आइए, अगर आपने पूरा देखना है तो आपको 2-3 बार तो आना ही पड़ेगा। मैं तो गुड लिविंग और हुनर हाट में ही बहुत घूम लिए, मतलब बहुत मज़े किए हमने। तो अब जा रहे हैं, ये देखिए जाते जाते मन में ये है कि अगले साल फिर से आएंगे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपने मेरे साथ ट्रेड फेयर देखा, आपको मज़ा आया कि नहीं ये बताया। तो आपने भी मेरे साथ मेला देखा, आपको मुझे पक्का पता है मज़ा तो आया होगा। तो मैं चलती हूँ, देखो कितनी प्यारी हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स हैं। इस तरह से हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, ये मेला ज़रूर लगना चाहिए ऐसा। तो अगली इस बार आपने नहीं अटेंड किया ना तो अगली बार ज़रूर ना, दिल्ली आसपास हो तो आपसे फिर मिलूंगी दोस्तों नए व्लॉग में या नए कुकिंग रेसिपी में। जो आपको अच्छा लगता है बताइएगा ज़रूर, ये व्लॉग कैसा लगा तो ये भी बताइएगा। आपसे फिर मिलूंगी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।